सुरक्षा को लेकर जमकर बवाल जारी है। बीजेपी नेताओं के बयान भी खूब चर्चाओं में हैं, जिनमें कई तरह के विवादित बयान शामिल हैं। अब इस पूरे मामले में बीजेपी की तरफ से बयान जारी किया गया है। आपको बता दें कि जिसमें पार्टी ने अपने इन नेताओं के बयान से किनारा कर दिया है। बीजेपी ने अपने इस बयान में कहा है कि वह किसी भी धर्म का अपमान स्वीकार नहीं करेगा। बीजेपी सभी धर्मों का सम्मान करती है और देश के हर नागरिक को ऐसा ही करना चाहिए। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी पर भारी प्रतिक्रिया के बीच बीजेपी ने कहा कि पार्टी किसी भी धर्म के व्यक्तित्व के अपमान की कड़ी निंदा करती है। हालांकि बीजेपी के बयान में किसी घटना या टिप्पणी का कोई सीधा जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर उस विचारधारा के खिलाफ है जो किसी भी संप्रदाय या धर्म का अपमान करती है। बीजेपी ऐसे लोगों को बढ़ावा नहीं देती। दरअसल पिछले दिनों में नुपुर शर्मा ने इस्लाम और उनके सिद्धांतों और इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर उनके खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसके बाद अब देश भर के अलग अलग क्षेत्रों में मुस्लिम समाज नुपुर शर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।